गुड इवनिंग। मैं आज जो है अपना ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी। मैं जो है किचन में क्या क्या सामान लेके आई हूँ वो काफ़ी लोगों ने पूछा, जैसे कि आप अपना अपने किचन में क्या क्या सामान जो है वो यूज करते हैं, तो मैं वही दिखाने जा रही हूँ। और मैं अपना ये जो बोरिया बिस्तरा लेके बैठी हूँ, आप देख सकते हो सारा। तो एक हाउसवाइफ जो अपने किचन में क्या क्या चाहती है वही चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने मंथली अपना सामान लेके आया है। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, इतना बकबक किया फिर पता नहीं क्या हो गया। जो भी हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ, मैं शुरुआत उसी से करती हूँ, मैं चाय। चाय मैंने ये पहले भी दिखाया है कि मैं टाटा गोल्ड का यूज करती हूँ, तो ये मैंने 2 पैकेट मंगा लिया है। और मैं बहुत जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो मेरे हाथ में आ रहा है वो मैं दिखा दे रही हूँ। ये जो है वो काला जीरा है, अजवाइन के साथ जो यूज करते हैं, तो ये मैंने 2 पैकेट लिया है। सरसों तेल में पतंजलि का लेती हूँ, रिफाइंड भी पतंजलि का लेती हूँ, तो ये मैंने 2 पैकेट लिया है। सब टेबल पे जहाँ तहाँ मैंने रखा है, सो फिलहाल तो मेरे हाथ में एक ही आया है। और 2 मैं घर से आने के बाद ली थी, तो वो मेरे पास पड़ा है इसलिए मैंने 2 ही लिया है। नमक भी मैं टाटा का ही यूज करती हूँ, तो नमक भी अपने हिसाब से मैंने 2 पैकेट ले लिया है। 2-3 पैकेट है मेरे पास, 3 नमक आ गया है। एनीवे, सॉस सॉस तो चाहिए ही, जिनके घर में बच्चे हों और सॉस ना हो तो हो नहीं सकता है। तो पराठा वराठा बना देती हूँ, तो एक किसान का सॉस मैंने लिया है, और विथ चिली सॉस नहीं है। तो ये सॉस है मेरे पास, सूजी, सूजी का उत्तपम बनाती हूँ, और मुम्मू को भी कभी कभार पकाती हूँ दूध में खिलाने के लिए, तो सूजी मेरे घर में रहता ही रहता है। तो 2 पैकेट मैंने सूजी ले लिया है। बिस्किट ये नमकीन वाला है और मीठा वाला बच्चों ने खोल के खाया है, तो बिस्किट नॉर्मली जो होता है। मूंगफली मेरे पास चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज फ्राइडे है और मूंगफली मतलब चाहिए रखती हूँ। तो 2 पैकेट मैंने ये लिया है, 1 पैकेट खोल दिया और 1 पैकेट जो जैसे हाथ में आता जा रहा है मैं दिखाती जा रही हूँ। तो इस टाइप के विम बार मैंने 4 लिए हैं, 2 और 20 रुपीज़ वाला लेती हूँ बड़ा बड़ा, तो 2 ही लेती हूँ, हो जाता है। और नहीं हुआ तो शॉप तो है पास में ही, जाके लेके आती हूँ। ये मेथी पैकेट में है, तो इसके जो दाने हैं बहुत अच्छे होते हैं। और मशीन के लिए मैं ये वाला सर्फ यूज करती हूँ फिलहाल, तो सर्फ एक्सल। तो मैं अपने हिसाब से, मुझे जितना चाहिए अपने फैमिली के हिसाब से, तो 2, 1 ये 3, और ज़रूरी है कि 1 मंथ में ही सब ख़त्म हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट मंथ में भी हमारे चल जाते हैं, और आज ऐसे भी आधा महीना तो बीत ही चुका है, तो नेक्स्ट मंथ के भी मेरे काम में आ जाएंगे। और ये थोड़ा सा अजवाइन का, अजवाइन मैंने लिया है 250 नहीं है, 50 ग्राम है या 100 ग्राम, तो ये पैकेट भैया जी ने खोल के दिया है, मुझे जितना चाहिए उसी हिसाब से। तो अजवाइन पैकेट में है, ये अच्छा है, छोटा पैकेट नहीं दिया हुआ उनके पास, यही होगा। एक स्कॉच ब्राइट का है। नॉर्मली जो हम लोग जीरा गोल मिर्च भी, उन्होंने जीरा का क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बहुत छोटा छोटा है, पैकेट वाला रहता है तो अच्छा रहता है, पर बोलूँगी। और गोल मिर्च भी मुझे जितना चाहिए उसी हिसाब से है, तो इसमें भी कुछ पाउडर दिख रहे हैं, दाने भी बड़े छोटे छोटे ही हैं, तो जीरा गोल मिर्च जो है वो मेरे हो गए। राजमा, राजमा 2 पैकेट मैंने लिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नहीं मन किया तो राजमा चावल मेरा फेवरेट है तो बना लेती हूँ। ये शैम्पू, तो शैम्पू जो है मैं पतंजलि का यूज करती हूँ, उन्होंने हेड एंड शोल्डर दिया है, पतंजलि का नहीं है, तो इसे मैं रिटर्न करूँगी क्योंकि मैं पतंजलि वाला ही यूज करती हूँ। मटर लिया है,
छोले बनाऊंगी, क्योंकि मटर और चना मेरे घर में रहता है, रखती हूँ, क्योंकि फ्राइडे के बाद जब सैटरडे आता है, जिस दिन मैं फास्टिंग करती हूँ, नेक्स्ट डे चाहे जो मैं ये जो है काला चना बनाऊँ या छोले, जो मेरे पास रहता है मैं वही बना लेती हूँ। तो काला चना भी मैंने लिया है। काला चना का भी क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी छोटा छोटा है, बट फूलने के बाद बड़ा हो जाता है, एकदम मरियल जैसा लग रहा है, बोलना पड़ेगा। देखती हूँ जो भी हो, अगर वो मेरा ब्लॉग देखेंगे जिस दुकान से मैं लाती हूँ, तो बोलेंगे मेरे काफ़ी इंसल्ट हो गया मैडम। रहर दाल नॉर्मली सबके घर में रहता ही है, तो मैं रहर दाल भी 2 या 3 किलो है, प्लस उसमें मूंग दाल मिक्स करूंगी। तो मूंग दाल भी मैंने, ये भी उन्होंने खुला ही दिया है, तो मूंग दाल और रहर दाल जो है मिक्स करके बनाऊंगी। और कहाँ गया मेरा चना दाल, ये सब जो भी है, और जो कुछ भी है मेरे पास, ये हो गया चना दाल। थोड़ा सा पकौड़ी बनाने के लिए रखती हूँ, क्योंकि चना दाल भिगो के और उसका जो पकौड़ी बनता है वो काफ़ी टेस्टी होता है। तो बेसन मैंने इस बार बेसन नहीं मंगाया है, बेसन भी रहता है तो अच्छा है, ब्रेड पकौड़ा ये सब बनाने काम में आता है, वो सब थोड़ा मैं चटपटी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है वो सब खाने में। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं मंगाए हैं, पहले से ऑलरेडी मंगा के रख चुकी हूँ, जैसे मैगी है या जो कुछ भी है, तो वो मैंने नहीं मंगाया। घर से आने के बाद मुझे जो है, कब से मेरे हस्बैंड ने बोल रखा था लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, तो जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिस्ट बनाया और आपके साथ शेयर की, क्योंकि बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ आप बताइए कि क्या क्या आप किचन में यूज करती हैं। तो मैंने बोला नॉर्मली जो सभी यूज करते हैं मैं भी वही करती हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई मैं कुछ कुछ यूनिक चीज़ें यूज करती हूँ। और बहुत सारे मसाले भी होते हैं जो मैं नहीं लाती, फिर गरम मसाला मैं नहीं खाती, थोड़ा बहुत इलायची और लौंग जो है रखती हूँ, तो ऑलरेडी मेरे पास थे, तो इसलिए मैंने इस मंथ में नहीं मंगाया। रिफाइंड भी मेरे पास घर से आने के बाद मैंने 2 पैकेट मंगा रखा था, तो रिफाइंड इस मतलब चीज़ों में आपको नहीं दिखेगा। और जो भी छोटा मोटा चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया और अच्छा लगे तो ठीक है। इंडियन हम लोग क्या जो हाउसवाइफ होते हैं ना, तो किचन में हमारे जो किचन जो है हमारा भर्ती रहना चाहिए, साग सब्जी से हो या फिर ये सब सामान से। तो लोगों को सोना कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता होगा, पर मुझे जो ये सब चीज़ें जो भर गए, तो मैं सोचती हूँ कि चलो बहुत है। बिस्किट विस्किट भी जो है वो, और मिक्सचर मिक्सचर में भूजा दुकान से लाती हूँ, यहाँ से नहीं लाती हूँ, क्योंकि वहाँ ताज़ा ताज़ा बनाते तो अच्छा रहता है। तो ये मेरा छोटा सा सामान एक मिडिल फैमिली का मैंने आपके साथ शेयर किया, और जो रह गया है जो मैं नहीं दिखा पाई हूँ वो किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मैंने विनेगर लिया है जो मैगी वैगी में काम आता है, और सबसे ज़्यादा मुझे मैगी से भी ज़्यादा काम आता है कि मैं जो छेना फाड़ती हूँ पनीर वनीर बनाने के लिए दूध का, तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़ा सा एक ढक्कन भी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा सा पनीर निकलता है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और हाँ, इस बार चिली सॉस और सोया सॉस नहीं लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। ये मेरे लिए किचन में बहुत ज़रूरी चीज़ है। और थोड़ा सा मैंने 1/2 किलो गुड़ मंगाया है, तो वो गुड़ मुझे गुड़ भी उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग गांव साइड में थे, तो ब्लैक कलर का एकदम ओरिजिनल गुड़ मिल रहा था। मैं सोची थी कि लेके आऊंगी, पर टाइम नहीं मिल पाया तो मैं नहीं लेके आई। वो एकदम दानेदार, जैसे गांव के गन्ना का जो मतलब, वो एक अजीब सा बहुत अच्छा लगता है, वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बट वो गुड़ यहाँ पे मिलेगा कि नहीं नहीं पता मुझे, तो ये खजूर का है कि क्या चीज़ का नहीं मालूम। तो 1/2 किलो मैंने लिया, ऐसे पराठा बनाती हूँ तो कभी कभी मूड कर देता है गुड़ पराठा खाने का, तो इसलिए। तो मेरा जो है, मैं कुछ सामान जो मैं काफ़ी पहले जब मैं घर से आई, तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं मंगा चुकी हूँ, और कुछ जो चीज़ें मुझे अभी चाहिए थी, तो वो इतना सामान जो है वो मेरी मंथली मेरे काम में आ जाएगी। कुछ चीज़ें मेरे पहले से किचन में हैं तो मैंने नहीं मंगाया, तो जो नहीं था वही मंगाया, वही आपके साथ मैंने शेयर की हूँ।
तो मेरी जो मिडिल फैमिली की जो किचन में जो जो जरूरत की चीजें होती हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं मंगाया। जैसे कि कभी मैं सेवई भी मंगा लेती हूँ 3-4 पैकेट, तो मुझे फिर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं मीठा की बहुत ज्यादा शौकीनदार हूँ, तो वो मैंने नहीं मंगाया है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेरी छूट गई है, जो इससे बच्चों के लिए कैलॉग्स जो है, मैगी है, ये सब चीजें जो है मैंने इस बार नहीं मंगाया है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। और वो तो लोकल शॉप है और मेरे घर के पास ही है, तो जब मतलब ज़रूरत पड़ता है तो मैं जाके लेके आ जाती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा जो है ग्रॉसरी से जो मैंने सामान मंगाया है, कैसा लगा? और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। मेरा जो क्या बोलूँ, मिडिल फैमिली के किचन का जो सामान है, मिलती हूँ कल के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।